आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे दोस्तों खूबसूरत शहर गुजरात के नगीने की अहमदाबाद। अहमदाबाद की बात करें तो बहुत ही खूबसूरत शहर है दोस्तों, साबरमती नदी के किनारे स्थित है। महात्मा गांधी ने अपने इंडिपेंडेंस मूवमेंट की शुरुआत यहीं से ही की थी। साबरमती आश्रम भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, बहुत ही खूबसूरत है। और यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे मॉन्यूमेंट्स हैं कि भैया यूनेस्को ने बोला कि ये हेरिटेज सिटी है, इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया गया। देख रहे हैं ना, भारत में ऐसे ऐसे शहर हैं जिनको जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। हाल ही में आपने जयपुर को देखा, जयपुर शहर राजस्थान की कैपिटल, उसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया गया, तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। लेकिन एक चीज आपको समझनी है कि अगर हम किसी भी शहर की बात करते हैं तो वहां पे दो हिस्से होते हैं, एक तो पुराना और एक नया। नया जो कि नवीन है, लेकिन पुराना भैया सबसे इंपॉर्टेंट है। किसी भी आप शहर में चले जाए, दिल्ली में चले जाए तो आपको पुरानी दिल्ली देखने को मिलेगा, लखनऊ में आ जाए तो आपको पुराना लखनऊ देखने को मिलेगा, अहमदाबाद जाए तो आपको पुराना अहमदाबाद देखने को मिलेगा। असली कल्चर, असली ट्रेडिशन आपको पुराने शहर में ही देखने को मिलेगा। नए शहर में तो ये सब नया है, ये सब वेस्टर्नाइज्ड है, लेकिन असली कल्चर देखना है तो पुराने शहर में चले जाइए। बहुत भीड़ भाड़ रहती है, अक्सर जो पुराने एरिया होते हैं वहां पे बहुत ज्यादा आपको भीड़ भाड़ रहेगी, रश रहेगा, लेकिन बहुत मजा आता है। और वैसे तो लोग शॉपिंग करने जाते हैं, सस्ते में चीजें बहुत ज्यादा मिल जाती हैं, तो अक्सर लोग वहां पे शॉपिंग करते हैं। असली मजा तो भैया वहीं पे ही है। तो हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद की आज हम बात करेंगे, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लेक्चर 21। इससे पहले 20 लेक्चर्स आ चुके हैं दोस्तों, आप देख लीजिएगा, सब के सब अवेलेबल है। ये ओल्ड सिटी है, हम पूरे अहमदाबाद की बात नहीं कर रहे हैं, ये जो पुराना अहमदाबाद है हम उसकी बात कर रहे हैं। रिकनेक्ट मेरा फेसबुक पेज है, सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से मेरी फेसबुक प्रोफाइल है। दोनों ही जगह आप लेक्चर की पीडीएफ ले सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टडी आईक्यू के टैबलेट और पेन ड्राइव कोर्स सारे एग्जाम्स के लिए आते हैं, आप इन नंबर्स पर कॉल करिए, वेबसाइट विजिट करिए। तो दोस्तों हम कल्चरल साइट्स की अगर बात करें तो इन सबका रिव्यू हम कर चुके हैं। पहले हमने नॉर्थ घूमा, फिर हमने साउथ घूमा, फिर हम साउथ नॉर्थ ईस्ट भी गए और अब दोबारा नॉर्थ पे आ गए हैं। तो ऐसे ही पूरा भारत घूमेंगे, मजा आएगा भैया बहुत ज्यादा। तो पूरा भारत हम घूम रहे हैं, मेरे साथ आप भी घूमिए। तो इन सबका हम रिव्यू कर चुके हैं, हम यहाँ पे हैं हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद। देखिए देखते देखते ये सब रिव्यू हो गया, हम 21वें लेक्चर पे आ गए और बहुत ही जल्दी सीरीज खत्म हो जाएगी, 18 लेक्चर बचे हुए हैं दोस्तों। और इन सबका हम आने वाले समय में रिव्यू करेंगे। नेचुरल साइट्स का रिव्यू हो चुका है, वेस्टर्न घाट, सुंदरबंस, मानस और काजीरंगा, यहाँ तो हम घूम चुके हैं। साथ ही साथ अगला जो लेक्चर होगा वो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कंजर्वेशन एरिया पे होगा। फिर भारत की एकमात्र मिक्स्ड साइट कंचनजंगा नेशनल पार्क का भी रिव्यू हम कर चुके हैं, समझ गए। तो अगर हम अहमदाबाद की बात करें या फिर ओल्ड अहमदाबाद की बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर है। 1411 में अहमद शाह ने इसको फाउंड किया था, अहमद शाह ने भद्र फोर्ट बनाना शुरू किया। फोर्ट का कंसेप्ट मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, जब फोर्ट बन गया तो शहर बन गया। फोर्ट मतलब एडमिनिस्ट्रेशन यहां से शुरू होगा, अहमदाबाद, अहमद इज इक्वल टू अहमद शाह, अहमदाबाद इज इक्वल टू अहमद शाह, तो इन्हीं के ही नाम पे शहर है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो अगर इस शहर की बात करें तो हजारों साल की हिस्ट्री है। एक चीज और बताना चाहता हूं, आपको लग रहा होगा कि ये क्या है, शहर को कैसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया जा सकता है, शहर तो हम घूमते हैं यहां पर ऐसा खास है। अब मैं आपको बताता हूं, आप जरा सोचिए इस बात को कि ये हजार साल तक शहर सर्वाइव किया है। एक कॉन्ट्रैक्टर रोड बनाता है, एक सीजन भी नहीं चलती है दोस्तों। अहमदाबाद में जो कॉन्ट्रैक्टर रोड बनाएंगे, अगले बारिश के सीजन में रोड टूट जाएगी, तो ऐसी कंडीशन है। यहां पे तो एक शहर हजारों सालों तक सर्वाइव किया है, चाहे आप फतेहपुर सीकरी की बात कर ले, चाहे अहमदाबाद की बात कर ले, चाहे जयपुर की बात कर ले, चाहे भोपाल की बात कर ले, आप किसी शहर की बात कर ले, ये जो शहर है ये हजारों हजारों साल तक ऐसे ही हैं, सरवाइव किए हैं। कितनी बार अहमदाबाद को प्लंडर किया गया, लूटा गया, लेकिन अभी भी यहां के जो मॉन्यूमेंट्स हैं ये ऐसे ही खड़े हैं। अब ऐसा हो सकता है अगर आप कोई भी घर बनाते हैं वो 100 साल के बाद आपको दिखेगा भी नहीं, 300 साल के बाद जब आपके आने वाले मतलब जो पीढ़ी है वो जब देखने आएगी कि अच्छा हम यहां रहते थे, मिलेंगे भी नहीं, एक ईंट नहीं मिलेगी कि कहां गया मेरा घर। लेकिन ये जो मॉन्यूमेंट्स है, 20 से ज्यादा मॉन्यूमेंट्स है ओल्ड अहमदाबाद में, अभी तक खड़े हुए हैं, इसीलिए इस शहर को हेरिटेज सिटी बोल दिया गया। और ऐसा ही जयपुर के साथ हुआ, ठीक है। तो आई होप ये चीज आप समझ गए होंगे। थोड़ा इतिहास बता देता हूं मैं भैया, इतिहास पढ़ा रहा हूं और इतिहास ना बताऊं ऐसा हो नहीं सकता।
हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद में 20 से ज्यादा मॉन्यूमेंट्स हैं। गुजरात सल्तनत की बात करते हैं, मेरा इस्लामिक इन्वेजन पे पूरा एक लेक्चर है। अब जो बच्चे इसको फॉलो कर रहे हैं, 25 से ज्यादा लेक्चर्स हैं, आपको भारत का पूरा मेडिवियल इतिहास समझ में आ जाएगा। स्लेव डायनेस्टी आई, ठीक है, आपको पता ही है, 1206 से लेकर 1290, इन पे पूरा लेक्चर है, 10 लेक्चर है, आप देख लीजिएगा। तो यहां पे हम देखते हैं गुजरात इनके अंडर आ गया, बलबन ने कंसोलिडेट किया, सबको लपेटे में लिया कि हमारे साथ आ जाओ। तो पूरा नॉर्थ बलबन के साथ, स्लेव डायनेस्टी के साथ 1290 से लेकर 1320 तक कौन आए? खिलजीज। ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है, इसलिए मैं बता रहा हूं तो आपको, ताकि आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिल जाए, आपको कोई डाउट ना रहे। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, गुजरात, बंगाल, बिहार, दिल्ली, यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, साउथ, सब कुछ अपने कब्जे में ले लिया। अलाउद्दीन खिलजी ने एक्सपैंड किया, एक्सपेंशनिस्ट था वो, उसकी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी थी। तो अलाउद्दीन खिलजी के पास गुजरात भी आ गया, राजस्थान भी आ गया। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, अब ये सब मैं कवर कर चुका, आप जरूर देखिएगा, 1320 से लेकर 1413 तक आए तुगलक्स। यहां से शुरू होती है गुजरात की कहानी। कैसे शुरू होती है, देखिए, गुजरात जो है वो पहले खिलजी के पास, उसके बाद तुगलक्स, घियासुद्दीन तुगलक आया 1320 से लेकर 1326 तक, कोई दिक्कत नहीं, गुजरात अच्छे से चल रहा है, रेवेन्यू आ रहा है, बढ़िया है सब कुछ। उसके बाद आया 1326 से लेकर 1351 मोहम्मद शाह तुगलक, बहुत बढ़िया चल रहा है, वैसे पागल राजा था वो, मतलब वाइस फूल किंग इसको बोला जाता है, उसकी बायोग्राफी आप देख लीजिएगा, बहुत बढ़िया चल रहा है। फिरोज शाह तुगलक आया, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, बढ़िया पैसा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। फिरोज शाह तुगलक के बाद सब कुछ गड़बड़ हो गया। 1388 में जब फिरोज शाह तुगलक गए इस दुनिया को छोड़ के, उसके बाद 1388 से लेकर 1413 तक ये भारत में भयंकर पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी का दौर था। नॉर्थ की बात कर रहा हूं, ठीक है, नॉर्थ में दिल्ली सल्तनत रहा ही नहीं, सब टूटने लगा था, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक के बाद जो सक्सेसर्स थे वो सब बकवास थे। फिर जो नोबेल्स थे, अब मैंने नोबेल्स का कंसेप्ट आपको बताया था जब मैंने लेक्चर्स रिव्यू किए थे कि कितने ज्यादा ताकतवर होते थे, सत्ता तो यही चलाते थे ना, जब चाहते थे सत्ता पलट देते थे। अगर ताकतवर राजा नहीं होगा, सुल्तान नहीं होगा, तो सब इनके हाथ की कठपुतली थे। तो यहां पे हम देखते हैं 1391 में जब नासिरुद्दीन महमूद आया, वो अगला सुल्तान बना, उसने जफर खान को गुजरात का गवर्नर बना दिया। 7 साल बाद तैमूर ने भारत को इन्वेड कर दिया, दिल्ली में उसने अटैक किया, दिल्ली को लूट के चला गया। अब दिल्ली को तो उसने अटैक किया, आसपास के जितने भी राज्य थे आजाद हो गए, गुजरात भी इनमें से एक था, और 1407 से गुजरात सल्तनत की शुरुआत होती है, जो कि 1573 तक रहती है, जब तक मुगल्स इसको अपने कब्जे में नहीं ले लेते हैं, जब तक अकबर इसको अपने कब्जे में नहीं ले लेता है। तो ये चीज आप समझे। अब आप बोलेंगे कि ऐसे कैसे आजाद हो गए, अरे भैया जब तैमूर ने इन्वेड किया था दिल्ली, जब प्लंडर की थी, भाग खड़ा हुआ था नासिरुद्दीन महमूद, अता पता नहीं था गया कहां है। तो यहां पे कमजोर राजा, अगल बगल वाले किंगडम बहुत खुश, हम तो आजादी लेंगे, आजादी ले ली। तो गुजरात सल्तनत यहां से शुरू होता है 1407। फिर 1411 अहमद शाह वन ने पूरे शहर को फोर्टिफाई करना शुरू किया, भद्र फोर्ट बनाया, मानिक बुर्ज से इसकी शुरुआत कर दी थी। वैसे तो कर्णवती इसको बोला जाता था, श्रीनगर या फिर राजनगर, और चालुक्यास का यहां पे जब शासन था तब यहां के राजा कर्ण ने इसको बनाया था। तो बहुत ही बड़ा एक तरीके से ये शहर था और बहुत ही प्रॉस्परस शहर था। लेकिन फिर जैसा कि मैंने बताया, पहले तो दिल्ली सल्तनत और उसके बाद ये किसके पास गया, अहमद शाह के पास, गुजरात सल्तनत, ठीक है ना। तो ये चीज थी। अब अहमद शाह ने यहां पे भद्र फोर्ट को बनाना शुरू किया, लेकिन जो इसका पोता था महमूद बेगड़ा, उसने असली में काम किया। गुजरात महमूद बेगड़ा के समय बहुत ज्यादा प्रॉस्पर किया, क्यों, पुर्तगाली भी आ गए थे, बैटल ऑफ दीव हो चुकी थी, पुर्तगाली ने भैया गुजरात से हाथ मिला लिया, दोनों बहुत बिजनेस करते थे, लोग खूब खुश क्योंकि बहुत पैसा आता था। तो गुजरात आज से नहीं, बहुत सालों से समृद्ध है, ठीक है। अब ये 100 सालों तक ऐसे ही चलता रहा, लेकिन 1573 में फाइनली मुगल्स ने कब्जा किया। अकबर की भी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी थी, अकबर ने 1573 में अहमदाबाद को अपने पास ले लिया। और बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा भैया, 1572 से लेकर 1707 तक ये बहुत इंपॉर्टेंट रहा, अगले 150 सालों तक ये मुगल्स के पास रहा, और औरंगजेब के बाद फाइनली ये मराठा के पास गया। वैसे तो बहुत स्ट्रगल हो गई थी दोस्तों,
देखिए मुगलों का जो पतन है वो औरंगजेब के ही समय शुरू होने लगा था, और औरंगजेब के बाद तो मुगल्स रहे ही नहीं थे। 50 सालों में मुगल्स बिल्कुल बिखर गए। 1707 से लेकर 1753 तक 50 सालों तक स्ट्रगल चलता है मराठा वर्सेस मुगल, जिसमें मराठा विक्टोरियस रहे। मराठा ने सब कुछ छीन लिया जो पहले मुगल्स के पास था। इसकी शुरुआत महाराज शिवाजी ने की थी। महाराज शिवाजी ने भी गुजरात को प्लंडर किया था, सूरत को प्लंडर किया था। अब मैंने उस पर भी एक सेपरेट लेक्चर बनाया, आप देख लीजिएगा बैटल सीरीज पे। तो यहां पे हम देखते हैं कि महाराज शिवाजी, उन्होंने किसी को मारा नहीं था, लेकिन ये अभियान चलाने के लिए, हिंदवी स्वराज के लिए पैसे की जरूरत थी, तो इसके लिए उन्होंने प्लंडर किया, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे पहले मुगल और मराठा के बीच में तगड़ी स्ट्रगल हुई 1707 से लेकर 1753 तक। ये शहर किसके पास रहेगा? इस स्ट्रगल में बहुत सारे लोग जो है वो शहर छोड़ के चले गए, और फाइनली ये मराठा के पास आया। लेकिन तीसरी बैटल ऑफ जो एंग्लो मराठा वॉर हुई थी, उसके बाद फाइनली ये ब्रिटिश के पास आया, और ब्रिटिश ने फिर बहुत सारे टैक्सेस लगाए। फिर महात्मा गांधी आए, महात्मा गांधी ने अपना मूवमेंट चलाया। साबरमती आश्रम भी भैया आपको यहीं मिल जाएगा। तो महात्मा गांधी ने अपना मूवमेंट चलाया। महात्मा गांधी के मूवमेंट्स की स्टार्ट यहीं से हुई थी, जो भारत के आजादी के थे, और सब कुछ बहुत हुआ, अच्छा हुआ। रविंद्रनाथ टैगोर भी यहाँ पे विजिट किए थे। तो भारत की हिस्ट्री को, भारत के इतिहास को दर्शाता है ये। भद्र फोर्ट की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 गेट्स आपको भद्र फोर्ट में मिलेंगे, ये आप पिक्चर देख सकते हैं, और बहुत ही भीड़ भाड़ वाले इलाके में ये स्थित है। हो सकता है आपको ये बहुत बड़ा ना लगे, लेकिन उस समय काफी बड़ा था। तो यहाँ पे आपको 8 गेट्स मिलेंगे, लेकिन बहुत सारे लोगों का मानना है कि 12 गेट्स है। और ये आपको जब आप मार्केट घूमेंगे तो हर जगह आपको, हर कोने में आपको गेट ही दिख जाएंगे, खूब बड़े बड़े गेट्स दिखेंगे, ठीक है ना। वही सुल्तानी स्टाइल के गेट्स, खूब बड़े बड़े, ऊपर गुंबद, और बिल्कुल एक प्रॉपर गेटवे, एक बड़ा सा दरवाजा आपको देखने को मिलेगा, एंट्रेंस मतलब, बहुत ही सुंदर। उसके बाद यहाँ पे आपको मस्जिद भी देखने को मिलेंगे, जामा मस्जिद बहुत इंपॉर्टेंट है। 1423 में जामा मस्जिद का कंस्ट्रक्शन जो है वो शुरू किया, मोहम्मद बेगड़ा ने सेकंड फोर्टिफिकेशन किया था, दोबारा इस शहर को पूरा फोर्टिफाई किया था। बहुत इंपॉर्टेंट होते थे किले, मैं किले के कंसेप्ट कई बार समझा चुका हूं। वैसे 20 से ज्यादा मॉन्यूमेंट्स है यहाँ पे, ठीक है, बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स है, काफी हवेलियां हैं, काफी मतलब यहाँ पे आपको किला तो देखने को मिलेगा ही। फिर झूलता मीनार है, झूलता मीनार एक बहुत ही, एक और गजब, मतलब जो आर्किटेक्चर है और इंजीनियरिंग का एक गजब का नमूना है झूलता मीनार। ऐसा लगता है कि ये झूल रहा है, ठीक है ना, हवा में। अभी इसकी भी मैं पिक आपको दिखा दूंगा, तो ये भी बहुत ही खूबसूरत है। ये कुछ अट्रैक्शन है, टूरिस्ट जब जाते हैं तो यहाँ तो जरूर विजिट करते हैं। फिर सिदी सईद मॉस्क भी है, और जो यहाँ का जाली वर्क है खिड़कियों में, वो देखने को ही बनता है, बहुत ही खूबसूरत। लेकिन सबसे अच्छी जो चीज आपको देखने को मिलेगी, और पूरे गुजरात में आपको देखने को मिलेगी, स्टेप वेल्स, सीढ़ियों वाले कुएं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिनको हम वाव कहते हैं। रान की वाव तो ऑलरेडी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है, अदालाज वाव, दादा हरीर वाव यहां आपको देखने को मिलेंगे। कुछ वाव तो मार्केट के बीचों बीच है, आप देख सकते हैं, ये है ना, ये फ्लोर्स है, और नीचे फिर पानी का सोर्स है। ये कुआं है एक तरीके से, लेकिन एक मॉडिफाइड कुआं है, ठीक है, एक आधुनिक कुआं आप इसको बोल सकते हैं। ये मीटिंग्स के लिए भी यूज किया जाता था, पानी के सोर्स के लिए भी यूज किया जाता था। तो ये आपको पूरे गुजरात में देखने को मिलेंगे। तो गुजरात सल्तनत ने इस पे तो बहुत ज्यादा काम किया था, ठीक है। वैसे आपको एक और चीज बताना चाहता हूं मैं, ये देखिए झूलता मीनार है, वैसे तो ये एनिमेटेड है, ठीक है, तो इस तरीके का है कुछ झूलता मीनार जब आप जाएंगे वहां पे, ठीक है। वैसे एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि जब वैसे यूनेस्को ने क्या बोला था कि हम इस शहर को क्यों एक हेरिटेज सिटी घोषित कर रहे हैं, सबसे पहले तो ये मल्टी कल्चरल सिटी है। पुराना अहमदाबाद मल्टी कल्चर को दर्शाता है। दोस्तों आपको विश्वास नहीं होगा, यहाँ पे आपको मंदिर मिलेंगे, यहाँ पे आपको मस्जिद मिलेंगे, यहाँ पे आपको बुद्धिज्म मिलेगा, यहाँ पे आपको जैनिज्म मिलेगा, सारे के सारे कल्चर, यूनिटी इन डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलेगा। तो ये चीज है, रिलीजियस बिल्डिंग्स यहाँ पे बहुत है, और सालों सालों तक ये सर्वाइव की हुई है। गजब का वुडन आर्किटेक्चर है, जो लकड़ियों का काम है वो बहुत ही अच्छे से, जो वुडन आर्किटेक्चर से काम किया है वो बहुत ही खूबसूरत है, और इतने सालों तक जो सिटी सर्वाइव की है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और सारे रिलीजन आपको देखने को मिलेंगे। तो भारत के इतिहास को ये शहर दर्शाता है, और भारत के ट्रेडिशन को ये शहर दर्शाता है, इसीलिए यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट या फिर हेरिटेज सिटी घोषित किया। तो ये एक लेक्चर था, आई होप आपको पसंद आया होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।